चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन बाय नेहा। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के दिन हम लोग मनाते हैं विजय दिवस। तो ये विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, आज ये जो हमारा इम्पोर्टेंट डे है इसके बारे में इस चैनल पर इस एपिसोड में मैं आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। 26 जुलाई को जो है विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारी भारत सरकार ने एक ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, उसके सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं कि क्यों ऑपरेशन विजय भारत सरकार को लॉन्च करना पड़ा। मार्च 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको लाहौर समझौता कहा जाता है। इस समझौते में दोनों सरकारों में यह निश्चित हुआ था कि अब हम लोग आगे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसका उल्लंघन करते हुए धीरे धीरे एलओसी के आसपास एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन हमारे देश में शुरू कर दिया गया। इसकी जानकारी हमको खुफिया एजेंसी के द्वारा भारत सरकार को प्राप्त हुई। तो ये जानकारी प्राप्त होने के बाद में सरकार ने अप्रैल 1999 में इस पर ध्यान देना शुरू किया और बराबर से सरकार को यह वार्निंग देते रहे कि वो लोग जो हैं इस गैरकानूनी काम को बंद करें, लेकिन ये काम बंद नहीं करने पर सरकार को ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा जिसकी एग्जैक्ट डेट है 3 मई से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक ये ऑपरेशन विजय चला। इसको सर्वप्रथम जो है वो हमारी आर्मी ने लीड किया था। इस ऑपरेशन विजय को हम लोग हर साल प्रतिवर्ष जो है वो कारगिल द्रास एरिया में यह विजय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो अमर जवान ज्योति दिल्ली में जो हमारे हीरोज थे कारगिल हीरोज उनको होमेज पे करते हैं, यानी कि श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें बहुत सारे वीर जवानों को हमारे देश ने खो दिया जिसमें कुछ प्रमुख जवान हैं। कैप्टन सौरभ कालिया ये 4 जाट रेजिमेंट के थे, ये इस युद्ध में शहीद हो गए। इसके बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा जेके राइफल्स से संबंधित थे, इसमें काम करते थे, ये टाइगर हिल के हीरो हैं और इनको इनके काम के लिए इनकी शौर्यता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ये गोरखा राइफल्स के हैं और इनको भी ये भी शहीद हुए और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ में स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार अहूजा इनको भी वीर चक्र मिला था। ये स्क्वाड्रन लीडर थे, इनका इंजन प्लेन का इंजन खराब होने के कारण ये एलओसी के उस पार चले गए थे और पाकिस्तान ने इनको बंदी बना लिया था। इनकी शौर्यता के लिए भारत सरकार ने इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें 550 के आसपास हमारे सैनिक की मौत हुई और लगभग 1500 के आसपास जो है हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो घायल हुए। तो इसको हमारे ऑपरेशन विजय को जो है वो सबसे पहले शुरुआत की थी हमारी इंडियन आर्मी ने। जब हमारी आर्मी ने इसको ऑपरेशन विजय को शुरू किया तब तक पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था जो थी एलओसी के आसपास, जो थी टाइगर हिल 0.4170 और 0.53533। इन सब चोटियों पर हमारा कब्जा हो चुका था। तो इस कब्जे को छुड़ाने के लिए सबसे पहले हमारी आर्मी ने लीड किया, फिर हमारी आर्मी को लीड करने में दिक्कत आ रही थी। नेशनल हाईवे 1 जो था उसको उन्होंने पूरी तरीके से उस पर बम्बार्डमेंट कर रहे थे, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उसको ज्वाइन किया। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन व्हाइट सी चलाया और उसको ज्वाइन किया और हमारी कई सारी उसको हटाया गया, खदेड़ा गया। इसके साथ साथ में हमारी जो नेवी थी उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया था, उन्होंने
जो कराची का हार्बर था उसको चारों ओर से घेर दिया था, यानी किसी भी प्रकार का जो है वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। इस तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर चोट करने का प्रयास किया और अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और जिस समय ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च हुआ, उस समय जो है हमारे देश के जो हैं वो प्रेसिडेंट थे महामहिम आर नारायण जी, हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जनरल वेद प्रकाश मलिक जी जो हैं वो आर्मी के चीफ थे, और नवाज शरीफ जो हैं वो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय आर्मी के चीफ थे, और जो हमारे पाकिस्तान की आर्मी थी उसने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन अल बदर। ये जो हमारा युद्ध है ये पूरे पूरे 60 दिन तक चला था, और 60 दिन चलने के बाद में आखिरकार हमें 26 जुलाई 1999 को पूर्ण रूप से इसमें सफलता मिली थी। इसीलिए इस दिन को हम हमेशा इंडियन हीरोज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं कंप्लीट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, साइंस से संबंधित वीडियोस को रेगुलरली पोस्ट करती हूँ। अगर आप इसको पसंद करें तो इसको आप इसको आगे बढ़ाने का काम करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।